सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में गाइस हम लोग का जो सिंचन होता है वो गाइस कुछ पत्थरों को पकड़कर एक गड्ढे में से बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। मींस गाइस वो किसी गड्ढे के अंदर फंसा हुआ होता है एंड देन गाइस हम लोग को दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो किसी गड्ढे पर नहीं होता, वो किसी मिट्टी जैसे दिखने वाले मैट के ऊपर उन पत्थरों को रखा हुआ होता है एंड उन पत्थरों के ऊपर बस रंग रेंगते हुए चल रहा होता है। एंड देन गाइस हम लोग को दिखाया जाता है कि गाइस जो बो होता है उसको जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो गाइस किसी अजीब से कमरे के अंदर बुलाते हैं स्कूल के, और वो अंदर जाते जाते कहता है अच्छा प्रिंसिपल सर मैं यहाँ आता हूँ और कहता है पा। एंड देन गाइस हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बो होता है गाइस उसकी एक ड्रॉइंग बना के रखी हुई होती है सिंचन में सैंड के ऊपर एक लकड़ी की डंडी से। एंड गाइस तो सारे के सारे जो फ्रेंड्स होते हैं गाइस वो उस सैंड ड्राइंग के साइड में गाइस बैठे हुए होते हैं एंड गाइस वो सभी लोग गाइस बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बो ने अंदर जाने से पहले पा क्यों कहा एंड प्रिंसिपल सर ने उसे क्यों बुलाया। एंड देन गाइस जो कजाम होता है वो कहता है आखिर ये पा है क्या। एंड देन गाइस उसके बाद जो सिंचन होता है वो गाइस जो कजाम होता है उसके जो कान होता है गाइस उसके अंदर फूंक मारता है और कहता है इसका मतलब पापा होगा। एंड देन गाइस जो कजामा कहता है इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। एंड देन गाइस जो नैनी होती है वो कहती है नहीं मेरे पास एक प्रूफ है। एंड गाइस जो नैनी है वो गाइस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सी शक्ल बना लेती है और वो कहती है मैंने कल बहुत ज्यादा कुछ अजीब सा देखा था। एंड गाइस जो नैनी होती है वो बताती है आगे स्टोरी में कि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करके वापस आ रही थी शाम को एंड मैं स्कूल के सामने से अपने घर तक पहुंच रही थी एंड मैंने देखा कि जो प्रिंसिपल सर और बो है वो एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं स्कूल के, और जो बो होता है वो उनकी तरफ प्यारी भर नजरों को देखते हुए कहता है पापा। एंड देन गाइस उसके बाद जो नैनी होती है वो कहती है ये मेरे को थोड़ी बहुत बात उस टाइम में समझ नहीं आई कि ये पापा इन्हें क्यों कह रहा है, बट मेरे ख्याल से अभी जो उसने जो पा कहा है उसका पूरा मतलब पापा था। एंड देन गाइस जो कजामा होता है वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि जो नैनी ने देखा है उसका पूरा जो मीनिंग है वो ये है। एंड देन गाइस वो जो कजामा होता है वो कहता है कि हमें इस बारे में प्रिंसिपल सर से पूछना चाहिए। एंड देन गाइस जो नैनी होती है वो कहती है नहीं अगर हम प्रिंसिपल सर से ऐसे ही पूछने चले जाएंगे तो वो हमें डांट भी सकते हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ चाहिए इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो उनका बेटा है। एंड देन गाइस जो नैनी होती है वो कहती है चलो इस ड्राइंग के ऊपर हम सभी लोग प्रिंसिपल सर की थोड़ी बहुत चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, उससे पता लग जाएगा क्या जो बो है वो उन चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल जैसा लगता है। एंड देन गाइस जो सिंचन होता है वो वापस से उसी लकड़ी की स्टिक को उठाता है एंड सारी की सारी उनका चश्मा जो उनके जो बाल होते हैं घुंघराले से एंड उनकी मूंछ बना देता है। एंड देन गाइस जो एंड ड्राइंग आती है वो गाइस कुछ ऐसी होती है जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल सर से 75% कुछ मैच कर रही होती है। एंड देन गाइस जो नैनी होती है वो कहती है बिल्कुल परफेक्ट, ये प्रूफ बहुत अच्छा है हम सभी लोगों को प्रूफ करने के लिए कि जो बो है वो एक्चुअली में उनका बेटा है। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है जो मसा होता है वो कहता है एक्चुअली मैं तुम सभी को एक बात बताना भूल गया कि मैं कल अपनी मॉम के साथ नैनी की तरह ही शॉपिंग पर गया था, पर मैं दिन में गया था एंड मैं जब एक बस में चढ़ रहा था अपनी शॉपिंग प्लेस पर पहुंचने के लिए तब मैंने कुछ अजीब सा देखा कि उस बस के शीशे के आगे एक शॉप थी एंड वहां पर जो बो था वो किसी आदमी के साथ में खड़ा हुआ था एंड वो जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा रहता है प्रिंसिपल सर के साथ में। एंड देन गाइस हम सभी को दिखाया जाता है कि गाइस जो सिंचन होता है उसकी नज़र प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ को पड़ती है एंड वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ होता है। सो गाइस सभी के सभी फ्रेंड्स को जो सिंचन होता है वो बुलाता है और कहता है ये देखो ये कौन है प्रिंसिपल सर के साथ। एंड जो मसा होता है वो उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लेता है और कहता है यही वो आदमी था जिसको मैंने कल बो के साथ में देखा था। एंड देन गाइस हम सभी को दिखाया जाता है कि गाइस वो जो पर्सन होता है वो गाइस प्रिंसिपल सर के केबिन से बाहर निकल कर कासू काबे वाले हमारे जो कंडन वाला स्कूल है वहाँ से बाहर चला जाता है। एंड देन गाइस हम सभी को दिखाया जाता है कि गाइस जो बो है उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही थी एंड वो कहता है वाह बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है, मैं नकली वाला बो हूँ और वो जो प्रिंसिपल सर थे वो भी नकली थे, मैंने इन सभी लोगों के मन में ये शक पैदा कर दिया कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं एक्चुअली में उसका एक हॉरर क्लोन हूँ और अब मैं इन बच्चों की इमेज प्रिंसिपल सर के सामने बिगाड़ के रहूँगा, मेरा प्लान बहुत अच्छा जा रहा है,
देख लेना मैं फेक बो हूँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। एंड देन गाइज ऐसा हमसे लोगों को गाइज कुछ दिखाया जाता है, मतलब कि गाइज वो जो बो है वो एक्चुअली में असली नहीं है। एंड वो जो प्रिंसिपल सर जो बो को बुला रहे थे वो भी गाइज असली नहीं है। एंड गाइज जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें सर कुछ भी असली नहीं है। एंड गाइज वो फेक बो कहता है कि असली बो तो अभी अपनी मॉम के साथ चेकअप कराने गया हुआ है डॉक्टर के पास। एंड देन गाइज हम सभी को दिखाया जाता है जो सारे के सारे फ्रेंड्स होते हैं वो उस आदमी की तरफ गाइज बहुत अजीब तरीके से स्टेयर कर रहे होते हैं शक की निगाहों से। एंड देन गाइज हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइज उन सभी लोगों की जो स्कूल होती है वो गाइज स्टार्ट हो जाती है। एंड वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए होते हैं कि आखिर वो कैसे प्रिंसिपल सर को बता सकते हैं कि वो जो वो है वो आपका बेटा है, या फिर हमसे पूछ सकते हैं क्या वो आपका बेटा है। एंड गाइस उसके बाद जो नैनी होती है वो कहती है हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी वे निकालनी होगी जिससे हम कैसे भी करके उनसे पूछ सकें। एंड देन गाइस जो नैनी होती है वो अपनी शक्ल गाइस काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सी दोबारा से बना लेती है। एंड देन गाइस हमसे लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो प्रिंसिपल सर है वो एंटर करते हैं और कहते हैं हेलो बच्चों। एंड गाइस तब गाइस सारे के सारे सिंचन उसके फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं क्या वो आपका बेटा है। एंड देन गाइस प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो गाइस उनकी जो अपनी जो ग्लासेस होती हैं वो गाइस काफ़ी ज़्यादा गाइस चमक जाती है। एंड वो गुस्सैल शक्ल में देख रहे होते हैं एंड वो कहने वाले होते हैं कि मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बट गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि गाइस जो स्कूल में गाइस जो रियल बॉय है वो गाइस एंटर कर चुका है और वो पार्क में खड़ा हुआ है। एंड गाइस जो रियल बॉय है वो गाइस एक्चुअली में क्लास की तरफ कोई बढ़ रहा है। एंड गाइस वो जो क्लास का गाइस वो जो ग्लास वाले जो डोर्स होते हैं उनको ओपन करता है एंड अंदर आ जाता है एंड कहता है ये देखिए सर ये मैंने एक स्कल ढूंढा है। एंड देन गाइस उसके बाद गाइस जो बो होता है वो सबको बताता है कि मैं एक्चुअली में हाफ डे पर गया था एंड मैं अपनी मॉम के साथ अपना चेकअप कराने गया था। एंड देन गाइस हम सभी को दिखाया जाता है जो नकली बो होता है वो देख लेता है कि असली बो आ चुका है एंड कहता है अगर इसने मेरे ऊपर निगाह डाल दी तो मैं शीशे की दुनिया में बंद हो जाऊंगा, तो इससे बढ़िया मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एंड देन गाइस जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो उस कल को दिखाते हैं जो बो ने ढूंढा था एंड वो बताते हैं ये बो ने खुदाई के समय ढूंढा है, उसके लिए क्लैपिंग करो। एंड गाइस सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। एंड गाइस जैसे ही नकली बो जाता है सब कुछ गाइस सभी लोग भूल जाते हैं। एंड गाइस यहीं पे एपिसोड मिस्टीरियसली एंड हो जाता है।